सब धन कहो, सब धन कहो, गुरु सतगुरु, 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 गुरु सतगुरु। चित मिले हर पड़दा गजिया, चित मिले हर पड़दा गजिया, सब तन कहो, सब तन कहो, सब तन कहो, सब तन कहो, गुरु सतगुरु, 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 गुरु सतगुरु। सतगुरु, गुरु 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 सतगुरु। आनंद मूल राम सब देखिया, मैंने देख लिया कि सबका मूल आनंद स्वरूप है और कुछ भी नहीं। शरीर के फर्क हैं, सबके शरीर अलग अलग हैं, मन के फर्क हैं, कोई मन सत्वगुणी है, कोई मन रजोगुणी है, कोई मन सत्वगुणी से ज़्यादा तमोगुणी है, किसी में तमोगुण रजोगुण दोनों हैं, किसी में सतोगुण अधिक है, थोड़ा थोड़ा रजोगुण है, किसी में तामसिकता ही तामसिकता है और कुछ है ही नहीं उसमें, और कोई सिर्फ रजोगुणी है। रजोगुणी माने अति चंचल,
क्रोधी, रजोगुणी मतलब धूर्त झूठा, और तमोगुणी मतलब पापी, असत वचन बोलने वाला, आलस प्रमाद करने वाला, दूसरों को नुकसान देने वाला, दूसरों का बुरा सोचने वाला, हिंसक, आतताई, और सत्वगुणी मतलब प्रेम करुणा दया मैत्री, ये सब शुभ्र गुण जिसमें होते हैं। मन के भेद हैं, मन सबके अलग अलग हैं, बुद्धि में भी इसी तरह भेद है, किसी की स्थिर है किसी की अस्थिर है, किसी की जड़ है किसी की बहुत तीक्ष्ण है बहुत सूक्ष्म है, और किसी की लगता है कि बस है ही नहीं, बुद्धि जैसे है ही नहीं उसके अंदर। तो बुद्धि के भी भेद हैं, तो शरीर का भेद, मन का भेद, बुद्धि का भेद, पर आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है। आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है, तो पापी से पापी का भी आत्म सच्चिदानंद और पुण्य आत्मा का भी निज स्वरूप सच्चिदानंद। एक रजोगुणी का मूल आनंद तो एक तमोगुणी का मूल भी आनंद, एक सत्वगुणी का मूल आनंद तो आनंद सबका मूल है। अब जब आप अपने मूल से बिछड़ जाएंगे, जब आप अपने मूल को भूल जाएंगे, तो फिर भेदों में पड़ जाएंगे, शरीर के भेद, मन के भेद, और फिर कर्मों के भेद। शुभ कर्म करता है फल सुख लेता है, अशुभ कर्म करता है फल दुख के पाता है। कर्मों का बंधा हुआ जीव फिर कैसे थपेड़े संसार के खाता रहता। ऑल द डिफरेंसेस आर एट द लेवल ऑफ आइदर माइंड और बॉडी, और द डिफरेंसेस आर एट द इंटेलेक्ट लेवल, बट एट द डीप कॉन्शियसनेस, द मैक्रो कॉन्शियसनेस लेवल, देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन यू मी, कबीर साहेब, बुद्ध, नानक, गुरु नानक और कृष्ण, सेम, नो डिफरेंस। द गॉड विच वॉज नोन बाय मोसेस इज नॉट डिफरेंट बाय वट कृष्ण नो न्यू और वट रामा न्यू अबाउट गॉड। द एग्जिस्टेंस रिमेन्स वन एंड सेम। इट कैन नॉट बी कॉल्ड वन बिकॉज इट इज बियॉन्ड द न्यूमेरिकल्स, बट द एग्जिस्टेंस इज सेम। सो इफ यू डोंट गो डीप विद इन योर ओन सेल्फ, देन यू विल बी बाउंड बाय ऑल डिफरेंसेस। But when you dig deep within the reality, then all differences just fall away. सारे भेद तब तक हैं जब तक आपने अपने मूल को नहीं देखा, और मूल को देखा तो फिर कोई भेद बचता ही नहीं है, फिर सब भेद खत्म हो जाते। तो ये बात सत्य है कि मूल में हम एक हैं, पर ये बात तुम्हारे जानने में नहीं है, तुम सिर्फ सुन रहे हो। सुनने को जानना नहीं कहते हैं, सिर्फ सुनने को इन्फॉर्मेशन लेना कहते हैं। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, पर क्या आपका अनुभव वही है जो मेरा है? क्या आपका अनुभव वही है जो गुरु नानक का है? क्या आपका अनुभव वही है जो श्री कृष्ण का है? क्या आपका अनुभव वही है जो रामकृष्ण का है? सो हेयर कम्स द बिग डिफरेंस। Existentially, we are all one, and yet, if you have not expounded it, if you have not explored it, if you have not have a direct encounter to the ultimate reality, you remain different from your point of view. Even though we are one, but yet you'll remain different. So when you are different, then you are just drifting away in this samsara. And when you lose all differences, then you don't drift.
then you are as integrated and as strong and as indivisible as the space is. जब हम धरती पर होते हैं खड़े तो सब भेद हैं, जैसे प्रांतों के भेद हैं, हमारा स्टेट ये है तुम्हारा वो है, फिर जोन्स के झगड़े हैं, हम नॉर्थ जोन के हैं तुम साउथ जोन के हो, फिर देशों के झगड़े हैं, तुम पाकिस्तानी हो, अमेरिकी हो, इजरायली हो, फलस्तीनी हो, हम भारतीय हैं, तो हर तल पर एक डिफरेंस है, हर तल पर एक झगड़ा है। लेकिन ये झगड़ने वाले इंसानों को आप जहाज में बैठा दीजिए और धरती से 35,000 किलोमीटर ऊपर जब जहाज उड़ता है तो जब नीचे देखता है तो उसको वाल्मीकि का मोहल्ला दिखता है, ब्राह्मणों का मोहल्ला दिखता है, ब्राह्मणों का मोहल्ला नहीं दिखता, क्षत्रियों का नहीं दिखता, जाटों का नहीं दिखता, तो ऊपर से जब नीचे देखता है तो एक छोटा सा डॉट हरा या ब्राउन कलर का दिखाई देगा कि अच्छा वो रहा। इस जहाज को तुम चेंज कर दो एक सैटेलाइट में, आपको सैटेलाइट में बैठा करके अंतरिक्ष में भेज दें और लगभग लगभग चंद्रमा से तुमको कहें देखो नीचे धरती, अब बताओ तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, दिख जाएगा क्या? तो जमीन पर रहते हो तो कितने भेदभाव हैं, जमीन पर रहते हो तो कितने डिफरेंसेस हैं, कितने झगड़े, पर ज्यों ज्यों तुम ऊंचे उठते जाते हो झगड़े खत्म हो जाते हैं, डिफरेंसेस नहीं। डिफरेंसेस तभी तक हैं जब तक आप बिल्कुल जमीन से सट के रहते हो। ज्ञान की ऊंची उड़ान जिसकी हो गई उसके लिए सब भेद खत्म हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये उड़ान तुमने भरी या सिर्फ सुनी है, इसके विषय में सिर्फ सुना है या तुमने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया है। लेट्स सी, व्हेन यू आर वेकिंग देन यू हैव डिफरेंट नेम्स एंड रीजन्स एंड नेशनैलिटीज एंड व्हाट नॉट, सो मेनी डिफरेंसेस, बट इफ ऑल द पीपल व्हिच आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर गो टू स्लीप, then in deep sleep, are there any differences left? The deep sleep takes away all your differences. Okay, from deep sleep you can wake up. Let's go one step ahead. If all these different people die, would there be any differences left? So when you are alive, you have differences. When you are dead, then there are no differences. Then what is good? Be dead. Dead to differences.